नमस्कार, आज हम बात करेंगे एग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग क्वालिटी डिपेंड करती है सबसे ज्यादा एज पे, और एज नॉन मॉडिफाइबल है, बट कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। और एग क्वालिटी बेटर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का आउटकम डायरेक्टली डिपेंड करता है एग की क्वालिटी कैसी है, चाहे वो IUI हो या IVF हो। तो सबसे पहली चीज है BMI, यानी कद के हिसाब से एक महिला का जो वजन होना चाहिए वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। यदि वो नॉर्मल रेंज से बाहर होता है, बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें कुछ तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से एग क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। जिन महिलाओं का वजन बहुत ज्यादा होता है उनमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में टैबलेट इंजेक्शन का डोज ज्यादा देना पड़ता है और आउटकम इतना अच्छा रहता नहीं है। सेकेंड, डाइट। कोई भी डाइट जो आप लेते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होनी चाहिए। जब भी हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि डाइट कैसी ले रहे हैं। यदि डाइट इज डेफिशिएंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। और आप अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, और साथ ही फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स लें ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक अच्छा रहे। थर्ड, एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्कआउट नहीं, बट 30 मिनट्स की वॉक डेली बेटर रहती है एग क्वालिटी इंप्रूव करने में। फोर्थ, ब्लड टेस्ट में यदि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट करके चला जाए, उससे एग क्वालिटी बेटर हो सकती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं थायराइड, प्रोलैक्टिन, जिनका करेक्ट करने से एग क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। फिफ्थ, यदि एज रिलेटेड डिक्लाइन है एग क्वालिटी में तो कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कुछ हद तक एग की क्वालिटी को बेटर कर सकती है। वो लेने के लिए अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जरूर।